डन। मेरी टीम तो तैयार है और आपकी? सेलेक्ट योर टीम ऑन प्ले स्पॉट एंड स्टार्ट प्लेइंग अपना गेम। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। आप देख रहे हैं बिहार तक। बिहार तक आपको बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर एक खबर दिखा रहा है, आपको बता रहा है कि वो कौन से बड़े चेहरे हैं जो चुनाव जीत रहे हैं। अब आपको बता दूं कि बीजेपी के दिग्गज चेहरे में से एक नंद किशोर यादव, जो पटना साहिब सीट से चुनाव लड़ रहे थे, कद्दावर मंत्री कह सकते हैं कि इस पूरे NDA की सरकार में, और एक बड़ा चेहरा, वो चुनाव जीत गए हैं पटना साहिब सीट से। उनके खिलाफ कांग्रेस के उम्मीदवार थे, कांग्रेस के प्रवीण सिंह उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। हालांकि आपको ये भी बता दूं कि एक वो भी दौर था लालू यादव वाला, जब तमाम यादव नेता लालू यादव के साथ थे या RJD के पार्टी में थे, लेकिन उस दौर में भी नंद किशोर यादव BJP के साथ थे। BJP में की तरफ से वो कद्दावर मंत्री बने जब भी NDA की सरकार बनी। बल्कि अगर आपको बताऊं तो राज्य में वो पथ निर्माण मंत्री का उन्होंने कार्यभार संभाला और नंद किशोर यादव चुनाव जीत गए हैं पटना साहिब। आपको ये भी बता दूं कि पटना साहिब की जो सीट है, इसे BJP बाहुल्य सीटों में से एक माना जाता है। ये कहा जाता है कि सीट पर BJP की काफ़ी अच्छी होल्ड है, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन ने जब प्रवीण सिंह को उम्मीदवार बनाया तो ये कहा जा रहा था कि यहाँ पर कड़ी फाइट मिलने वाली है नंद किशोर यादव को लिए को। और चूंकि नंद किशोर यादव यहाँ कई टर्म से विधायक रहे, तो ऐसे में मुश्किल ये देखा जा रहा था कि क्या एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी इस सीट पर काम कर रहा होगा। लेकिन नंद किशोर यादव के लिए ये जीत काफ़ी आसान रही और नंद किशोर यादव चुनाव जीत गए हैं। BJP के दिग्गज नेता नंद किशोर यादव 1995 से वो राज्य विधानसभा में BJP का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आपको ये भी बता दूं कि महागठबंधन और लालू प्रसाद यादव के RJD में जब दोनों अलग हो गई थी, तब भी वो भाजपा के नंद किशोर यादव बिहार सरकार में मंत्री बने रहे। उन्होंने जून 2013 में NDA से JDU के विभाजन से पहले बिहार सरकार में सड़क निर्माण और पर्यटन मंत्री के रूप में काम किया है। 1995 से लगातार BJP के बड़े चेहरे रहे नंद किशोर यादव के लिए एक बड़ी जीत है। और साथ ही ये भी कहा जाता है कि अगर नंद किशोर यादव चुनाव जीते, चूंकि कद इतना बड़ा है, तो ये भी मान लिया जाए कि बिहार सरकार में मंत्रालय का मिलना तय है कि किसी न किसी मंत्री पद को पर जरूर बैठेंगे नंद किशोर यादव। तो BJP के लिए बड़े चेहरे नंद किशोर यादव पटना साहिब सीट से विधानसभा चुनाव जीत गए हैं ये, और वहीं पर उनके खिलाफ जो कांग्रेस के प्रवीण सिंह थे वो चुनाव हार गए हैं। पटना साहिब सीट BJP बाहुल्य सीट है, ये माना जाता है कि यहाँ पर BJP का ये घर रहा है। और आपको ये भी बता दूं कि फिलहाल बिहार विधानसभा चुनाव की जो टैली चल रही है, इस टैली में कहीं ना कहीं एक बार फिर से NDA की सरकार बनती हुई दिख रही है और महागठबंधन इस रेस में फिलहाल पिछड़ता दिख रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम से जुड़ी हर एक खबर बिहार तक आपको दिखा रहा है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। डन। मेरी टीम तो तैयार है और आपकी? सेलेक्ट योर टीम ऑन प्ले स्पॉट एंड स्टार्ट प्लेइंग अपना गेम। डाउनलोड द ऐप नाउ।